नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। किसान आंदोलन, संसद में फसल बेचने की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल के लोगों को संदेश है कि भारत सरकार ने देश को लूट लिया है, उन्हें वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारा MSP कब मिलेगा। धान की कीमत 1850 रुपया हो गई है, वो कब मिलेगी। बता दें, नंदीग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने जिक्र किया कि जिस दिन संयुक्त मोर्चा चाह लेगी किसान संसद में नई मंडी खोल देंगे। एक बार फिर ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल होगी। हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान हैं। हमारा नया टारगेट संसद में फसल बेचना है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल वदूद व केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार 14 व 15 मार्च को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 मार्च से एक बार फिर मौसम के करवट बदलने की संभावना है। बता दें, जिससे झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से संभव हो रहा है। पारा शिक्षक, झारखंड के पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण, वेतन मान व अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। बता दें, इसके तहत पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इनके बार बार के आंदोलन को इस बार गंभीरता से लिया है। वर्तमान परिस्थिति में इस घेराव कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि इस घेराव कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति स्कूल से गायब रहने वाले पारा शिक्षकों की अनुपस्थिति अनाधिकृत मानी जाएगी। बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का शनिवार को निरीक्षण किया। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 28 एकड़ में फैले जेल भवन के जीर्णोद्धार एवं बिरसा कृषि पार्क के निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया। कृषि मंत्री बादल साइकिल से पहुंचे झारखंड विधानसभा। झारखंड की राजधानी रांची को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए शनिवार से शनिवार नो कार की शुरुआत हुई। बता दें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और खुद को स्वस्थ बनने के लिए एक दिन साइकिल चलाने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने साइकिल से पहुंचे। 80,000 पुलिस जवानों को अब 13 माह का वेतन। राज्य में वैसे पुलिसकर्मी जो क्षतिपूर्ति अवकाश ले चुके हैं, उन्हें भी अब 13 माह का वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश के बदले EL को समायोजित करना होगा और EL के बदले मिलने वाली राशि ही 13 माह के वेतन के रूप में मिलेगी। बता दें, पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, जब तक सरकार के स्तर पर क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल नहीं हो जाता है, तब तक वे क्षतिपूर्ति अवकाश न लें। किसानों के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनाएगी। छोटे किसानों के उत्पादों के रख रखाव के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनाएगी। विशेषकर हरी सब्जियां, टमाटर, फल और मछली के रख रखाव के लिए 5 MT क्षमता के 100 इको फ्रेंडली कोल्ड रूम बनाने की सरकार की योजना है। बता दें, सभी सौर ऊर्जा से चलने वाले मिनी कोल्ड रूम के निर्माण पर अगले वित्तीय वर्ष काम शुरू किया जाएगा। मिनी कोल्ड रूम के अलावा बड़े कोल्ड स्टोरेज निर्माण को भी राज्य सरकार गति देगी। इस कड़ी में अगले वित्तीय वर्ष में 6 जिलों में खुट्टी, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार एवं धनबाद में 5,000 MT के मॉडल सील गृह बनाने की योजना है। गढ़वा में पंचायत चुनाव लड़े 1676 प्रत्याशी अयोग्य घोषित। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने वर्ष 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़े हुए 1676 प्रत्याशी को डिम्बार घोषित कर दिया है। उन्हें 3-3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये प्रत्याशी अगले 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जानकारी के अनुसार, उक्त चुनाव में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 1667 प्रत्याशी ने चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया था। चाईबासा पुलिस ने लांची हमले में शामिल 10 नक्सलियों को दबोचा।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लांची हमले में शामिल थे। बता दें बीते 4 मार्च को टोकलो थाना क्षेत्र के लांची गांव में हुए नक्सली हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। झारखंड में 43 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 20, पूर्वी सिंहभूम 9, धनबाद 2, बोकारो 2, देवघर 2, कोडरमा 1, गुमला 2, सिमडेगा 1, लातेहार 1, दुमका से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1093 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 515 है। भारत में 25,154 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 158,642 है, वहीं 207,494 एक्टिव केस हैं।